The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So hum baat kar rahe hain revised national clinical management guideline of COVID-19. Matlab koi patient bimari ke saath aata hai, कोरोना वायरस की बीमारी पता चल जाती है उसको, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। याद रखिए, हमने ऑलरेडी आपको पहला मैनेजमेंट, पहला ट्रीटमेंट बता दिया है, जो पहले होता है, सबसे पहले वही होता है, और कोई किसी प्रकार की एचआईवी की मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन नहीं दी जाती। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जब पेशेंट अगर कोई और सीरियस हो जाता है, यानी रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, अब सांस नहीं ले पा रहा है, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जा रहा है, तब क्या किया जाएगा। ऑब्वियसली इससे पहले ही याद रखिए, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट किया जा रहा है, और साथ में ज़रूरत पड़ने पे और साथ में एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी दी जा रही है, स्टीरॉइड्स नहीं दिए जा रहे। ये तीन मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट शॉक में या रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, तो पहले यू नीड टू रिकॉग्नाइज सिवियर हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर के साइंस, उसको यह इम्पॉर्टेंट है। और मतलब ये हो रहा है कि आपकी ऑक्सीजन थेरेपी स्टैंडर्ड फेल हो रही है, तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी और पेशेंट के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, जो आपका टारगेट सैचुरेशन प्रोब लाने के लिए। आप पहले 5 लीटर पे दे रहे थे, फिर 10 लीटर, फिर 15 लीटर ऑक्सीजन पे दे रहे थे, तो उतने पे भी दिक्कत हो रही है। फिर टिपिकली आपको पेशेंट को जो इस तरीके के रेस्पिरेटरी फेलियर ARDS में आ जाते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, उनके शरीर के अंदर इंट्रापल्मोनरी लंग्स के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है यहाँ पर। दैट मींस कि जितना ऑक्सीजन आप डाल रहे हैं अंदर, जितना ऑक्सीजन, वो एक्चुअली उनके उनके अंदर उतना ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा है, उनके ब्लड तक जा ही नहीं रहा है। मतलब अब आपको वहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इसमें हाई फ्लो नेजल कैथेटर भी यूज किया जा सकता है ऑक्सीजन, और इसके साथ नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन भी यूज किया जा सकता है, जिसको हम बाईपैप या सीपैप बोलते हैं। मतलब आपके मुंह के अंदर, आपके गले के सांस की नली में ट्यूब नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ऊपर से मास्क लगा के प्रेशर लगा रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप में ट्राई किया जा सकता है, याद रखिए ये एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर है, तो उसके लिए भी आपको हमने जो प्रिकॉशंस बताए थे प्राइमरी ट्रायज में एरोसोल जनरेशन, वो लेने हैं, वो ज़रूरी है। जब भी ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी से काम नहीं हो रहा, हाई फ्लो नेजल कैनुला नॉन इन्वेजिव में कंसिडर किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट 2 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर बेटर फील नहीं कर रहा, नहीं और वर्स होते जा रहा है, तो फिर पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है। उसमें ट्रकियल इंट्यूबेशन, ट्रकिया के अंदर इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, इससे पेशेंट की जो हाइपर कैपनिया है, मतलब उनके शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहा है, जो लंग के अंदर कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा प्लस एक्सासर्बेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, मल्टी ऑर्गन फेलियर, जो एबनॉर्मल मेटास्टेसिस, ये सारी चीज़ें हो रही है अगर, तो वो दिक्कत देगी, तो वो बेटर होने के चांसेस हैं, इसीलिए हमें वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेना पड़ता है। याद रखिए, वेंटिलेटर पे जाना अपने आप में एक डरावनी बात है, बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जान ले लेगी वेंटिलेटर से पेशेंट वापस ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो वेंटिलेटर पे जाता है, कई लोग वापस आ जाते हैं, डिपेंड करता है उनके अंदर बीमारी कितनी फैली हुई है, और उस स्टेज में अगर वेंटिलेटर नहीं डालेंगे तो पेशेंट तो पक्का बचेगा नहीं, वो सिस्ट, इसीलिए वेंटिलेटर डाले जाते हैं, याद रखिए। और उस स्टेज को पहले डायग्नोस करके पेशेंट के उस क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंचने से पहले अगर डालने वेंटिलेटर पे, इलेक्टिव वेंटिलेशन ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पेशेंट को उतने डैमेज होने से हम बचा सकते हैं अंदर लंग को, याद रखिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज द बेसिक अबाउट ये वेंटिलेटर थिंग। सो इसमें मॉनिटर भी बहुत करना ज़रूरी है। NIV या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की गाइडलाइंस में कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, नई बीमारी है। सो याद रखिए, अगर हम सिर्फ मास्क में, लोग कई लोग बोलते हैं सर वेंटिलेटर मत डालो, प्रेशर से ऑक्सीजन देते रहो, उसमें एक रिस्क हो जाता है, अगर हमें लग रहा है पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है घंटे भर के अंदर भी, और कई स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि पेशेंट को अगर इंट्यूबेशन लेट कर रहे हैं
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आगे चल के फिर उसको और मुश्किल हो जाता है वापस वेंटिलेशन से निकलने का। तो याद रखिए, ये डिसीजन अपने डॉक्टर को लेने दें। अगर उसको लग रहा है कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो ज़रूरत है। इट्स वेरी वेरी ट्रिकी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर पे भरोसा करें। याद रखिए, दोनों के दोनों हैपनो एंड NIV सिस्टम्स विद गुड इंटरफेस, जो टाइमली पैनल पे दिया जाए, जो बट ये दोनों के दोनों वाइड स्प्रेड डिस्पर्शन कर सकते हैं। सो इसीलिए आपको एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के लिए उस पेशेंट और उस एरिया को कंसील करना होगा। पेशेंट के आसपास जितने भी लोग हैं उनको PPE पहनना होगा, रिलेटिव्स पास नहीं जा सकते और नहीं तो उनको भी हो जाएगा और ये दिक्कत होगी। सो इंट्यूबेशन अगर हो रहा है तो वो एक ट्रेंड एक्सपीरियंस प्रोवाइडर डॉक्टर के था होना चाहिए, जिसको एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेना है, PPE पहनना है, मास्क वास्क पहनना है, और जो भी यूज़ हो रहे इक्विपमेंट्स उसको बाद में स्टरलाइज करना है या फिर वन टाइम यूज़ वाले चीज़ें यूज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, पेशेंट्स जो ARDS है वाले हैं उनको पहले प्री ऑक्सीजनेट किया जाता है 100% FiO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ 5 मिनट के लिए, वाया फेस मास्क विथ बैग रिजर्वर बैग वेल मैकेनिज्म, और रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन किया जाता है जो अप्रिप्रिएट है इस एरिया में, जिसमें रैपिड सीक्वेंस यानी तुरंत इंट्यूबेशन करना एक नॉर्मल मतलब एक थोड़े जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंट्यूबेट, क्योंकि जितना देर पेशेंट का मुंह खुला होगा उतनी ज़्यादा एरोसॉल्स निकलते हैं, उतना डॉक्टर भी रिस्क में जाता है, वो एरिया भी रिस्क में जाता है। सो एयरवे असेसमेंट करके आपको अगर कोई डिफिकल्ट इंट्यूबेशन नहीं है तो फिर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन करना है। इम्प्लीमेंट करना है मैकेनिकल वेंटिलेशन यूजिंग अ लो टाइडल वॉल्यूम्स एंड 4 to 8 ml/kg प्रिडिक्टेड बॉडी वेट के हिसाब से आपको उनको रखना है। लोअर रेस्पिरे रोवर इंस्पिरेटरी प्रेशर यानी प्लेटू प्रेशर उनका लेस देन 30 cm of ऑक्सीजन का रखना है। स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आप ARDS के गाइडलाइन पे पेशेंट को रखें, और जो इनिशियल टाइडल वॉल्यूम है वो 6 ml/kg पे रखें, और टाइडल वॉल्यूम को 8 mm तक लेके जा सकते हैं आप, ये हिसाब है प्रेशर के हिसाब से। और pH जो है आपको देखना है पेशेंट का बॉडी ब्लड pH 7.5 के नीचे अगर आ रहा है तो फिर हाइपर कैपनिया जो हो रहा है उसमें वेंटिलेशन प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं कि आपको पीप कितना रखना है, कितना क्या रखना है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। याद रखिए, कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए इसके साथ में। ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते, ज़्यादा ज़्यादा फ्लूइड चढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। जो पेशेंट सीवियर ARDS के हैं, जो 12 घंटे से ज़्यादा दोज हु आर एक्चुअली प्रोन प्रोन वेंटिलेशन यानी उल्टा हो गए हैं, उल्टा भी हो जाते हैं पेशेंट, याद रखिए अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है, सो 12 घंटे से ज़्यादा फिर उनको या ऐसा नहीं नहीं रख सकते, तो पेशेंट को उल्टा रखा जाता है जब वेंटिलेशन ज़्यादा ARDS ज़्यादा दिक्कत करता है तो उल्टा रखा जाता है, लेकिन एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोन वेंटिलेशन इज़ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड इन एडल्ट्स, लेकिन और इवन बच्चों में जिनको बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होते हुए दिख रहा वेंटिलेशन से। और मॉडरेट टू सिवियर ARDS, सिवियर ARDS में ये होगा, मॉडरेट टू सिवियर ARDS में, मॉडरेट टू सिवियर में हायर पीप आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लोअर पीप, यहाँ पे सजेशन किया जा रहा है। पीप ट्राइट्रेशन भी ज़रूरी है ये देखते हुए कि कितना बेनिफिट हो रहा है और रिस्क कितना है, रिस्क और बेनिफिट देखते हुए, और साथ में जो सिवियर ARDS है उसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज यानी कि आपको पैरालाइज भी किया जाता है, वो पैरालाइसिस भी दिया जाएगा, बॉडी को पैरालाइज करके वेंटिलेटर किया जाएगा। एक और चीज़ जो इसमें यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ECLS। ये पेशेंट जो रिफ्रैक्ट्री पेशेंट्स हैं, जो हाइपोक्सिया के हैं, लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेटर के बावजूद काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को ECLS कैन बी ऑफर्ड ओनली इन एक्सपर्ट सेंटर जहाँ इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ नहीं है वो करेंगे नहीं। यानी कि आपके स्किन के अंदर से ही ऑक्सीजन अंदर डाला जाता है, हाइपरबेरिक चेंबर में ऑक्सीजन रखा जाता है। अवॉइड डिसकनेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर, जब तक ये चीज़ से प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप डिसकनेक्ट कर दोगे, क्योंकि लॉस ऑफ पीप, पीप इज पीप मतलब एक तरीके का कांस्टेंट प्रेशर है जो वेंटिलेटर लंग्स पे बना के रखा हुआ है कि उसके जो एयरवे हैं वो सांस की नलियाँ खुली हों, पूरी सिकुड़े ना, तो
तो कांस्टेंट प्रेशर है उसमें, यानी ये फैला हुआ है फिर रिलैक्स हो रहा है तो भी पूरा नहीं फैला हुआ है, रिलैक्स हो रहा है पूरा फैला हुआ है, तो पीप इज कांस्टेंट प्रेशर जो उसको इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हो सकता है पीप अगर बढ़ा देंगे तो हो सकता है लंग्स के जो सांस की नलियाँ हैं या जो जो एल्वियोला है गुब्बारे फट जाए, एटेलेक्सटेसिस हो जाए, और अगर पीप एकदम से हटा देंगे तो एकदम हो सकता है कोलैप्स हो जाए, सो वो भी चीज़ बहुत, और फिर खुले ना ये भी हो सकता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है, एक पल्मोनोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस हाथों में क्रिटिकल केयर टीम इसको हैंडल करती है और ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। अगर इसको सही से किया जाए तो काफ़ी पेशेंट्स बच भी सकते हैं, मगर यस याद रखिए जो पेशेंट वेंटिलेटर पे ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कोरोना वायरस की केसेस में, काफ़ी सारे पेशेंट्स नहीं बचाए जा पाते, सिवियर एआरडीएस में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। सो रिलेटिव्स को भी काउंसिल करना बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ सिवियर एआरडीएस इन COVID-19। अभी तक देख लीजिए इसमें भी, इतने सीवियर केसेस में भी कोई HIV की मेडिसिन या कोई यूज़ नहीं हो रही है। सो ये बातचीत जो दूसरे करते हैं कई लोग, वो गलत है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस वीडियो आपको समझ आई हो, नहीं समझ आई तो जो मैं स्क्रीन पे बताऊंगा चीज़ें उसको पढ़ें, और अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो पढ़ें, आप MOH की वेबसाइट में जाके डायरेक्टली पूरी की पूरी रिकमेंडेशन रिवाइज नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइन फॉर COVID-19 को पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।